ये देखना है कि अपना अब तेरा काम है ये थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा पीछे हो जाए यार क्या कर रहे हो भाई थोड़ा पीछे हो जाओ यार जी मैम जी मैम तो दोस्त है कि 9 मई के बाद शरफजल मरवत ने तो एनओसी तो नहीं कोई मांगा अभी आपकी पार्टी एनओसी मांग रही है पार्टी मेरी जलसे के लिए जो चेयरमैन है पीटीआई का अभी मैं आपको बताती हूँ इमरान खान ने जो मैसेज भेजा है जेल से जो उन्होंने मैसेज भेजा है उन्होंने कहा 3 लोग जो लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है उसके अंदर से एक जो है क्या नाम है राजा सिकंदर सुल्तान जो ईसीपी का चेयरमैन है एक वो एक काजी फायजी सा और एक आमिर फारूक ये 3 लोग लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है और इनसे कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती और इन सबको बरतरफ हो जाना चाहिए अपने ओहदों से क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आज जब हम यहां पहुंचे हैं तो हमें पता चला है कि जो काजी फायजीसा ने कोई रिमार्क्स दिए हैं अपने कोर्ट के अंदर जिसके लिए हम उनसे जाके उसकी वजाहत मांगेंगे कि उन्होंने प्रेजिडिस कर दिया है क्योंकि केस जो है अलकादर का वो इस वक्त जेल कोर्ट में चल रहा है जहां पे अभी उसकी ट्रायल मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में है तो उसके अंदर जब वो कोई रिमार्क्स ऐसे देंगे जिसके अंदर वो प्रेजिडिस कर दे इस केस को तो मेरे हम चाह रहे हैं कि ये पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कल पेश करें अगर हम अकेले ही जाना पड़े हम आज उनके सामने पेश होंगे और उनको कल अपील करेंगे कि आप इस केस से बरतरफ हो जाएं ये ज्यादती है इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है हमारे भाई हैं 1 साल से जेल में है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी कोई जाती इनको कोई इशू है फैजीसा को उनके वैसे भी 2 महीने क्या 1.5 महीना रह गया कितनी देर रह गया 2 महीने 2 महीने रह गए 2 महीने रह गए जाते जाते कोई हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इज्जत कमा के चले जाएं नहीं तो ये पाकिस्तान की तारीख नहीं कभी भूलेगी इनके फैसले और जो जजेस के फैसले होते हैं ये बड़े अजीम फैसले होते हैं ये अगली पुश्तों तक याद रखे जाते हैं और ये कोर्ट होते हैं तो कैसे दिल करता है जस्टिस फायजीसा का कि उनकी अगली जो उनके बच्चे हैं उनकी आगे जो नस्लें हैं वो ये याद रखेंगे इनके बारे में कि ये उस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत अहम मौके पे ये जब पाकिस्तान एक बड़े अहम मोड़ पे है उस वक्त ये इस किस्म की बेइंसाफी नाइंसाफी करके गए हैं पाकिस्तान के साथ तो इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमरान खान की तरफ से जो उनका पैगाम था वो तो मैंने दे दिया अपना भी बता दिया कि हम इस वक्त और क्या कर सकते हैं कि उनसे उन्होंने हर चीज जगह पे उन्होंने रोका है सीटों के पीटीआई की सीटों के मामले में हो गया इमरान खान के जाती केसेस के ऊपर हो गया उन्होंने पर्सनल क्या कहते हैं जाती किस्म की जंग छेड़ी दी है तो कल हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपने लॉयर्स का साथ जाएंगे कोई 9:30 अलीमा खान साहब शेरफजल मरवत साहब आपके साथ खड़े हैं इनको पार्टी ने बड़ा बैन कर रखा है और मेहरबानी करो यार दी जा रही शेरफजल मरवत को क्या बात मुझे तो नहीं पार्टी की बात है मेरे से तो ना पूछे मैं तो इमरान खान का पैगाम देना था वो आपको अच्छा मैम जो शेरफजल मरवत की आप स्ट्रगल देख रही हैं तो इस हवाले से इमरान खान से कोई बात करेंगी देखिए इमरान खान ने अप्रीशिएट पहले भी किया था क्योंकि ये सारे जो जलसे थे इन्होंने पहले किए थे लेकिन जहाँ पार्टी का मामला आपको पार्टी से पूछना चाहिए Thank you, ma'am. Thank you.